अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हाजिर हूँ अपनी नई रेसिपी नई डिश के साथ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन पालक। हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, तो चलिए हमारे साथ रहिए, देखते हैं। हम चिकन पालक बनाने के लिए लिया है मैंने, ये जो है 1 kg पालक है जो मैंने कट करके वॉश करके रख लिया है। इसके लिए मैंने 1/2 kg चिकन लिए, इसको भी मैंने वॉश करके रख लिया है। ये मैंने लिया है 1 tsp जो है पिसा धनिया है, 1/2 tsp हल्दी है, 1 tsp जो है सॉल्ट लिया है, और 1 tsp मैंने पिसी लाल मिर्च ली है, 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली हैं, लहसुन लिया है मैंने ये छोटी सी कटी होती, और ये आधी आधी कट की 3 प्याज है, इसको हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसको बारीक पीस लिया है प्याज और लहसुन को। भगोने में हम ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल गरम हो जाएगा तो हम चिकन इसमें ऐड करेंगे। चिकन फ्राई कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। चिकन देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब इसमें हम जो है लहसुन और प्याज का जो पीस के रखा था हमें पेस्ट, वो ऐड कर देंगे। ड्राई स्पाइसेस हमने जो निकाले थे ये ऐड कर देंगे हम। अब इसको मिक्स कर लें थोड़ा सा अच्छी तरीके से। बहुत ही आसान तरीके से बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरीके से भी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम साथ ही इसके अंदर जो है पालक ऐड कर देंगे। पालक डाल के हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम कवर करके रख देंगे, पालक भी गल जाएगी और चिकन भी गल जाएगी, और इसका पानी खुश्क होने के लिए रखेंगे हम। दस मिनट हो गए, हम चेक करते हैं इसको। ये देखें अच्छी तरीके से पानी खुश्क हो गया है इसका है। और ये भुनने पे आ गया है। इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये अब भुनने लगा है, इस पर ऑयल देखिए साइड में आना शुरू हो गया है। हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। चिकन भी हमारी गल गई है, पालक भी अच्छी तरीके से गल गई है। बहुत मज़ेदार, बहुत यमी बनता है ये। मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पालक की जो है भुनाई ज़्यादा होती है, इसलिए कि पालक में जो एक कच्चापन कसादापन निकल जाए। इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, गल तो गई है बिल्कुल, लेकिन इसको भूनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ताकि इसमें से जो एक अजीब सी आती है ना, एक हैरान सी आती है, वो निकल जाएगी। ये देखिए ये अच्छी तरीके से भुन गया है हमारा पालक। अब इस पे हमने जो हरी मिर्चें कट करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। अब इसे कवर करके हम फ्लेम ऑफ कर देंगे इसका।
चिकन पालक हमारा रेडी है, हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए मज़ेदार सा चिकन पालक रेडी है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।